हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेक करियर अकेडमी माई नेम इज़ नैन्सी एंड इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ईडियम्स एंड फ्रेजेस इससे पहले भी हमने कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस किए हैं और आज की वीडियो में भी हमने वही इडियम्स लिए हैं जिसमें हम ह्यूमन करेक्टर्स की बात कर रहे हैं सो लेट इज स्टार्ट आवर फर्स्ट ईडियम इज स्नेक इन द ग्रास स्नेक इन द ग्रास एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप बहुत विश्वास करते हो, होम यू ट्रस्ट बट दैट बिट्रेज या चीट्स यू ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करते हो पर ऐसा पर्सन आपको कभी ना कभी धोखा दे देता है दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड स्नेक इन द ग्रास जैसे हिंदी में कह देते हैं आस्तीन का सांप उस तरह से स्नेक इन द ग्रास इज़ अ पर्सन होम यू ट्रस्ट बट ही बिट्रेज और चीट्स यू सेकेंड एडियम इज ब्राइट स्पार्क ब्राइट स्पार्क मतलब स्पार्क मतलब चिंगारी ब्राइट मतलब बहुत तेज वाली ठीक है सो इंटेलिजेंट और क्लेवर पर्सन के लिए हम एडियम यूज़ करते हैं ब्राइट स्पार्क नेक्स्ट इज बिजी बी बिजी बी बिजी बी इज अ पर्सन हु इंजॉयज़ डूइंग वर्क एंड कीप हिम सेल्फ बिजी ऐसा पर्सन जो क्या करता है अपना काम करता है अपने आप को बिजी रखता है अब जैसे मधुमक्खी है वो सारा दिन शहद इकट्ठा करती है खुद को बिज़ी रखती है इसी तरह से बिज़ी भी एक ऐसा पर्सन है जो खुद को काम करने में बिज़ी रखता है नेक्स्ट वन इज़ रोटन एप्पल ठीक है रोटन एप्पल अ पर्सन हु इज़ डिसऑनेस्ट असप स्पेश वन दैट स्पोइल्स द होल ग्रुप यानी कि एक ऐसा पर्सन जो खुद तो डिसऑनेस्ट है और जो अपने ग्रुप में दूसरे लोग हैं उनको भी गलत रास्ते पर लेकर चलता है ऐसा पर्सन इज कॉल्ड रोटन एप्पल ठीक है नेक्स्ट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब अलग अलग तरह के बिजनेस करने में ये क्या पर्सन है एक्सपर्ट है ठीक है सो अ पर्सन हु डज सेवरल टाइप ऑफ जॉब्स वेरी वेल अलग अलग तरह की जॉब्स को करने में वो क्या होता है एक्सपर्ट होता है ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नेक्स्ट इज कल्चर वल्चर कल्चर वल्चर कल्चर वल्चर का मतलब है ऐसा पर्सन जिसे अपने कल्चर से अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है वो आर्ट थिएटर लिटरेचर डांस ड्रामा इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता है यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस तरह के पर्सन को बोला जाता है कल्चर वल्चर नेक्स्ट इज टीचर्स पैट टीचर्स पैट ऐसा पर्सन जो टीचर का फेवरेट है पूरी क्लास में एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर के बहुत फेवरेट होते हैं सो टीचर्स पैट इज़ द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द टीचर नेक्स्ट इज विज किड विज किड किड मतलब यंग पर्सन विज किड मतलब ऐसा यंग पर्सन हु इज़ वेरी क्लेवर एंड सक्सेसफुल बहुत चालाक है और सक्सेसफुल भी है मेहनती है जिस वजह से उसे सक्सेस मिल चुकी है ठीक है नेक्स्ट इज नोजी पाकर नोजी पाकर हु इज़ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर पीपल ऐसा पर्सन जो दूसरों के बारे में नॉलेज इकट्ठा इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने में इंटरेस्ट रखता है ना कि अपने काम में इंटरेस्ट रखे ठीक है नोजी पार्कर इज़ अ पर्सन परसन हु इज़ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर पीपल नेक्स्ट वन इज़ आम चेयर क्रिटिक आर्म चेयर ठीक है ऐसा पर्सन जो क्या है आर्म चेयर में बैठा है बड़ा रिलैक्स होकर बैठा है एंड पासिंग कमेंट्स ऑन अदर और दूसरों के ऊपर कमेंट पास कर रहा है ठीक है दूसरे पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहा है उनको देख कर हाँ ये पर्सन ऐसा है ये पर्सन वैसा है इस तरह का पर्सन जो है ही इज आम चेयर क्रिटिक ठीक है उसके बाद है ब्लू ब्लड ब्लू ब्लड मतलब अरिस्टोक्रेट हाई लेवल सोसाइटी हाई लेवल फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन दैट इज़ अरिस्टोक्रेट नेक्स्ट इज क्लोज फिस्टेड मैन क्लोज फिस्टेड जब मुट्ठी बंद ही रखता है क्लोज फिस्टेड मतलब मुट्ठी बंद रखने वाला यानी कि जो पैसे खर्च करके ही राजी नहीं है ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं माइजर पर्सन या कंजूस पर्सन ठीक है नेक्स्ट इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ यानी कि जो पैदा होते क्या है उसमें मुँह में चांदी की चम्मच है यानी कि ही इज़ वेरी रिच फ्रॉम द बर्थ यानी कि वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जो बहुत ही रिच है ठीक है सो जो बहुत ही अमीर फैमिली में पैदा होता है उसको कहा जाता है बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ नेक्स्ट इज वाइज गाय या फिर नोइट ऑल दो इडियम्स हैं ये वाइज गाय या नोइट ऑल यानी कि ऐसा पर्सन जो खुद को क्या दिखाता है कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ मुझे ही सब कुछ पता है इस तरह के पर्सन को बोला जाता है वाइज गाय या नोइट ऑल ऐसा पर्सन हु ट्राई टू प्रिटेंड प्रिटेंड मतलब दिखावा करता है कि वो क्लेवरर है दूसरे लोगों से वो दूसरे लोगों से कैसा है क्लेवरर है दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज नो इट ऑल या वाइज गाय लास्ट वन इज ब्लैक शीप ब्लैक शीप या अनवर्दी पर्सन मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है इस तरह के पर्सन को बोला जाता है ब्लैक शीप So, these were the idioms related to human character. In our next video, we will discuss some more idioms. Till then, have a nice day. Thank you for watching.